हम इसको उठा सकते हैं इस तरीके से। कल समझ आ रही है कि बाहर इसको निकालने लगे हैं अच्छे तरीके से। लगाने हैं आपने इस तरीके से, इस तरीके से और मैक्रो आनंदा कितनी प्यारी लेयर बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि आप हमें मुजरेला चीज़ की रेसिपी बताएं। मुजरेला चीज़ की रेसिपी बताने वाला हूं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट देने वाला हूं। आप इस मुजरेला चीज़ को घर में बना सकते हैं लेकिन कमर्शियल लेवल पर किस तरीके से बनेगी वो भी मैं मुकम्मल गाइड कर दूँगा आज की रेसिपी में आपको। मुजरेला चीज़ तैयार करने के लिए हमने 2 लीटर दूध ले लिया, फुल फैट दूध ले लिया, ये ठीक हो गया। गाय के दूध से भी बन सकती है, भैंस के दूध से भी बन सकती है, डब्बे वाले दूध से नहीं बन सकती या खुश्क पाउडर से जो है ना वो नहीं तैयार होती। घर में आप इस तरीके से बना सकते हैं, कमर्शियल तरीके का भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। अच्छा, अब कहा यह जाता है कि कच्चा दूध लेना चाहिए, मैंने कच्चा दूध ले लिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता आपको कि कच्चा दूध क्यों लेना चाहिए। अगर आपके पास दूध इधर करना कैमरा, अगर आपके पास दूध बॉयल शुदा पहले से दूध होगा फिर आप उसको फाड़ने की तरफ लेके जाएंगे, उसके अंदर सिरका टाटरे या लीमू उसके अंदर मिक्स करके दूध में उसको फाड़ेंगे, छीनने की तरफ लेके जाएंगे, तो मेरे भाइयों फिर उसके ऊपर कुदरती तौर पे दूध के अंदर जो है ना वो ऑयल होता है, घी होता है, उसके ऊपर घी आ जाता है, ऑयल आ जाएगा, इसलिए आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ आपकी परफेक्ट बनेगी। 2 लीटर दूध ले लिया, यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। हमने इसको थोड़ा सा सिर्फ गर्म करना है, जिसको आप नीम गर्म कहते हैं, जिसमें हमारी उंगली भी बर्दाश्त कर लेगी। उस टाइम पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर आपको बताएंगे कि मुजरेला चीज़ किस तरीके से तैयार होती है। ये रेंजी इस टाइम पे आके जब हमारी उंगली दूध की गुरमाइश को बर्दाश्त कर ले, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले, फ्लेम को बंद कर दें। अगर आप इसे ज़्यादा बॉयल करेंगे तो फिर आपकी जो चीज़ है वो लचीली नहीं बनेगी, लेयर वाली नहीं बनेगी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक हो गया। चूल्हे को साइड पे कर दें, इसको यहाँ पे ले आए, बस इतना ही गर्म करना है। अगर आप इसको ज़्यादा गर्म कर लेंगे, ये बात समझने की आपकी, अगर आप इसको ज़्यादा गर्म कर लेंगे फिर आपकी चीज़ का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमने रसगुल्ले नहीं बनाने के, सिर्फ इधर छीना बनाना है, ठीक हो गया। हमने इसकी चीज़ बनानी है, हमें लचीलापन चाहिए उसमें, ठीक हो गया। ये देखें, टाटरी से भी आप इसको फाड़ सकते हैं, सिरके से भी फाड़ सकते हैं, लीमू से भी फाड़ सकते हैं। मैंने कई दफ़ा पहले वीडियो में रसगुल्ले वगैरह बनाए तो मैंने टाटरी से आपको फाड़ने के तरीका बताया, आज हम सिरके से फाड़ेंगे। 4 टेबलस्पून सिरका ले लिया, एकदम सारा नहीं दाब देना, ठीक हो गया। इस तरह का एक चम्मच ले लें, थोड़ा सा सिरका डालें, ऐसे बस इसको ऐसे हिलाते रहें। ये देखें, 2 टेबलस्पून से ही हमारा दूध जो है ना वो छीनने की तरफ जाना शुरू हो गया है। ये देखें, इस तरह का हमें चाहिए, ठीक हो गया। इसमें मजीद अभी हम सिरका डालेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ रोक लिया। अब इसको मजीद इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून और हैं, 1 टेबलस्पून डालें और इसको हिलाते रहें आस्ते आस्ते इस तरीके से। ये रहिए, ये 1 टेबलस्पून लास्ट वाला ये भी डाल दें और इसको इस तरह आस्ते आस्ते हिलाते रहें। 4 से 5 मिनट लगेंगे, मुकम्मल जो छीना है वो हमारा हमें अलग से मिल जाएगा, पानी अलग हो जाएगा सब्ज कलर में और ये अलग आ जाएगा। आस्ते आस्ते इस तरीके से हिलाते रहें आप, बस 3 मिनट हमने चम्मच फेरा और ये हमारी जो चीज़ है ये देखें इस तरीके से कंडीशन में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, एक ही दफ़ा में हम इसको उठा सकते हैं इस तरीके से। गल समझ आ रही है, इस तरीके से, इस तरह का हमें चाहिए छीना हमारा, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको सारे को स्टेनर पे निकाल लें आराम से। इस तरीके से आराम से सब को निकाल लें चम्मच की मदद से, इस तरीके से ऊपर से इस तरह दबाते रहें इस तरीके से। ये देखें, ग्रीन पानी जो है वो अलग हो गया और ये हमें एक पूरा लोथड़ा टाइप, गल समझ आ रही है, अगर सीधा साफ लफ्ज दसा था, हमें लोथड़ा टाइप चाहिए, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए अपना छीना या पनीर जो भी आप इसे कहते हैं। इसको इस तरह दबाते रहें, देखें इतना था ये दूध के मेरा हाथ बर्दाश्त कर रहा है, इसे ज़्यादा ना कीजिएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको दबाते रहें और इसका तमाम जो ये वाटर है ये रिमूव कर दें। इस टाइम पर आके इसको अच्छे तरीके से जब हमने निचोड़ लिया, यहाँ एक प्लेट में डाल दें, कोई मसला नहीं है, और 1 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 1 मिनट के बाद इसको सबको इस तरह हाथ में उठाएं, इकट्ठा कर लें और इसको इस तरीके से निचोड़ लें इस तरीके से, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है,
सुभान अल्लाह, इस तरीके से इसको निचोड़ते रहें ताकि एक्स्ट्रा से जो इसका अंदर पानी है वो निकल जाए। जब हमने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसको साइड पे कर दें। यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया हुआ है, ये देखें, 1.5 लीटर गर्म पानी ले लें, 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दें। ठीक हो गया, नमक शामिल करके थोड़ा सा हिला दें। बाबा जी, नीम गरम के फुल गरम? ये नीम गरम पानी है। जब इसको अच्छे तरीके से हिला दिया और ये जो हमने बॉल बनाई हुई है जिससे हम चीज तैयार कर रहे हैं छीने की, ये उठा के इसमें डाल दें। इसमें डालने का मकसद ये है कि ये जो सिरके का खट्टापन है, कड़वाहट है, वो खत्म करनी है हमने। 2 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दें, 2 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट के बाद आपने इसको उठाना है, नीम गर्म पानी था ये, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते रहना है ताकि लेयर्स बने हमारी। ठीक हो गया, इस तरीके से फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको दबाना है इस तरीके से, फिर पानी में डिप करना है, फिर इसको उठाना है, फिर इसको इस तरीके से, ये देखो, यहाँ से पकड़ना है इस तरीके से इसको फोल्ड भी करते रहना है, और इसके अंदर लचीलापन आना शुरू हो जाएगा, और इसको इस तरीके से दबाते भी रहना है ताकि सिरका वगैरह जो है वो निकल जाए इसमें से। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से खींचेंगे थोड़ा सा, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे खींचेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। 2 मिनट हमने इसको इस तरह कर लिया, देख सकते हैं आप लचीलापन आना शुरू हो गया अभी से, लेकिन अभी हम इसको इकट्ठा करके इस तरीके से दबाएंगे, दबा के ये देखें बहुत लचीली बनी है, ये देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। इस तरीके से इसको दबाते रहें। अब मेरे पास यहाँ पर इस पानी को हटा दें, ये मेरे पास ठंडा फुल यख चिल पानी, ठीक है, बर्फ़ डाली हुई है इसमें, इसके अंदर इसको डाल देंगे और 3 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे। ये लें जी, 3 मिनट के बाद इसको निकालने लगे हैं अच्छे तरीके से, इस तरीके से इसको निचोड़ लें, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है माशाल्लाह। मैं आपको इसका मुकम्मल रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ये बात नहीं है। इस तरीके से इसको जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं ना, वो जेलाटाइन पाउडर इसमें डालते हैं, केमिकल डालते हैं, गल समझ आ रही है? घर में आप इस तरह बना सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे आप इस तरीके से नहीं बना सकते। इसको दबा दिया अच्छे तरीके से, इस तरह की देखें, इस तरह की बॉल आ गई। प्लास्टिक की एक शीट ले लें, इसमें इस बॉल को रख दें इस तरीके से, साफ़ सुथरी शीट है ये। यहाँ पे इसको इस तरह का एक कोई भी बर्तन सांचा ले लें। इसमें रखने का मकसद यह है कि हमें एक जैसा इसके अंदर ब्लॉक टाइप चाहिए। ठीक हो गया, इसको इस तरह दबा दें इसके अंदर अच्छे तरीके से, इसको इस तरीके से हमने सांचे में फिला दी, ऊपर से इस तरह दबा दें, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें ऊपर वाले खाने में। 4 से 5 घंटे के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, हमने फ्रीजर से इसको निकाल लिया, बहुत अच्छे से देखें ये जम चुकी है इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये देखें कमाल की। ठीक हो गया, ज़बरदस्त किस्म की। अगर आप कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जेलाटाइन पाउडर उसमें शामिल होता है और केमिकल शामिल होते हैं, फिर वो कमर्शियल लेवल पे बनेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगा। इसको कद्दूकश करने लगे हैं इस तरीके से, मैं कद्दूकश कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये चीज़ हमारी क्रैश हो चुकी है। इस टाइम पे आके आपको इसके लेयर्स दिखाने के लिए 2 स्लाइस ले लिए ब्रेड के, इस तरीके से चीज़ उठा के इसके अंदर इस तरीके से लगानी है आपने, इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा दें, ऊपर इसको बंद कर दें इस तरीके से, और माइक्रोवेव ओवन में हम रखने लगे हैं 2.5 से 3 मिनट के लिए, ताकि आपको इसकी लेयर्स का रिजल्ट दिखा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, 2.5 मिनट लगाए हमने ओवन में, 2.5 मिनट के बाद इसको निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्म है ये, थोड़ा सा 1 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। ये लेवर इसके लेयर्स दिखाने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये देखें सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लेयर्स बनी है, कमाल की बनी है। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं ये देखें। ठीक हो गया, ये देखें, इस साइड से आपको तोड़ के दिखाऊँ अगर इसको मैं, ये देखें कल समझ आ रही है इस तरीके से, सीधा करें ऐसे, ये देखें, ठीक हो गया जी।
और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, इस चीज को शापर जो मिलता है ना, शापर बैग जो होता है उसमें डाल के क्रश करके इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज नहीं फ्रीजर में रख सकते हैं, और इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे। कितने दिन के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं, ये आपने बताइए। ये खराब नहीं होगी, ये एक साल भी खराब नहीं होगी आपसे, आप एक साल तक इसको फ्रीज करके रख सकते हैं, इस कंडीशन में भी रख सकते हैं आप, ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये मुजरेला चीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा मेरे भाइयों। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।